subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सोपिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज जेको तां जे ला हमेशा ठाईंदा आयो ऐं तां जी फरमाइशो भी पूरी कंदा आयो। और रेसिपीज ठाईंदियूं शारजा कुकिंग ऑयल सगत विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आ, ओमेगा 3 मौजूदा, बनस्पति घी तमामु बहितरीन। जॾहिं असां बिरयानी ऐं मिठा वग़ैरह ठाहींदा आहियूं त हुन में बनस्पति घी जो इस्तेमालु थींदो आहे। ऐं हुन सां गॾु असां वटि आहे एनएक्स में क्वालिटी प्रोडक्ट आहे तमामु बहितरीन, जंहिंमें जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हैंड ब्लैंडर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह तव्हां वठी सघो था। किचन में ज़रूरु हुजणु खपनि इहे शयूं ताकी तव्हांजी कुकिंग ईज़ीली तव्हां करे सघो था। मलका फूड असां सां गॾु आहे। मलका फूड में तमामु वसी रेंज आहे, जंहिंमें बम्बई बिरयानी आहे, शाही कोरमो आहे, रेड चिली पाउडर आहे, हैड ऐं काफ़ी सारा मसाला, लूणु आहे, टोमेटो केचप आहे, चिली गार्लिक सॉस आहे। इहे वेबसाइट ते बि ॾिसी सघो था, मार्केट में अवेलेबल आहे। ईज़ीली मसाला वठी पंहिंजी रेसिपी खे सुठो करे मज़ेदार ठाहे सघो था। अॼु असां ठाहींदासीं मज़ेदार रेसिपी, जेका फरमाइश हुई बम्बई बिरयानी जी। बम्बई बिरयानी तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। इहे सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, स्क्रीन ते नंबर ले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु पुछणो हुजे, पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ विटामिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी तमाम बेहतरीन। एनएक्स हमारे साथ है। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर वगैरह एनएक्स के आप ले सकते हैं। और मलका फूड में काफ़ी वसी रेंज है, जिसमें आप मसाले भी ले सकते हैं, उनकी रेसिपीज भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। और सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप वगैरह सब अवेलेबल है। आज की जो फरमाइश थी वो मैं पूरे वीक फरमाइशें पूरी करता आ रहा हूँ, तो आज मैं बना रहा हूँ बम्बई बिरयानी। बम्बई बिरयानी मज़ेदार रेसिपी है, जो आपके घर में दावत हो या वैसे वीकेंड्स में आप लोग बनाना चाहें तो बिरयानी की बहुत सारी रेंज आपको बनाना सिखाई। ये कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे स्टार्ट। त बम्बई बिरयानी ला असांखे छा खपे। अधु किलो जे हिसाब सां बिरयानी ठाहियूं पिया, तकरीबन 5 माण्हू आराम सां खाई वठंदा आहिनि अधु किलो, 4 खां 5 माण्हू, ठीकु आहे। त फैमिली जे हिसाब सां मां ठाहियां पियो। हिते पाणी असां रखंदासीं बॉयल करण, ठीक है। पाणी बॉयल करे रख देंगे। चावल को अगरि बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसको 20 से 25 मिनट आपने भिगोना। अगरि सेला चावल यूज़ करें तो 1 से 1.5 घंटा भिगोना। लेकिन सेला चावल में भी क्वालिटी आती है, वो भी देख लीजिएगा। अच्छी क्वालिटी के सेला चावल आपने लेने हैं, ठीक है। अगर बासमती चावल आहिनि त उहे तव्हां 15 खां 20 मिंट या 25 मिंट पिसाईंदो। ऐं अगरि सेला चांवर यूज़ कयो पिया त सेला चांवर तव्हां घटि में घटि 1 कलाक खां 1.5 कलाक पिसाईंदो। लेकिन हुन में सुठी क्वालिटी जा वठिजो, जेको 150-160 वारा, जेके 170 वारा, जेके 120-130 वारा हूंदा आहिनि, उहो हलवो ठही वेंदा आहिनि वधीक पिसाइण खां, ठीकु आहे। ऐं हिते पटाटा असां बॉयल करे रखिया आहिनि। पटाटा हिन में 3 अदद वेंदा, हुनजा 2-2 पीस कजो विच मां। ऐं हिनखे हेड ज़रदे जो रंग लॻाईंदो, अधु चांहि जो चमचो। ऐं हिनखे बॉयल करे छॾियो पीलो कलर ॾियण लाइ। 3/4 जेतिरी चिकन यूज़ कंदासीं, बाक़ी छा प्रोसेस आहे उहो स्टार्ट कंदासीं। ऐं रेसिपी स्टार्ट कंदे कंदे तव्हांखे सॼी डिटेल में ॿुधाईंदो वेंदुमि, ठीकु आहे। रेसिपी साथ साथ स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल बताता चाहूंगा। 1/2 kg की हम बना रहे हैं बम्बई बिरयानी। पानी हमारा हो रहा है बॉयल और चावल भिगोने के लिए दे दिए। चावल को आपने भिगोना है 20 मिनट कम अज़ कम, बासमती। और अगर सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं ड्राई कर रहा हूँ, पानी निकल जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे शारजा कुकिंग ऑयल। कितना डालेंगे? 1/4 कप, ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल डाल के इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे, उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और आधा प्याज हम निकाल देंगे, आधा रहने देंगे। उसमें हमने फिर चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल 1/4 कप। 1/4 कप खणंदासीं शारजा कुकिंग ऑयल, ठीकु आहे। हिन में असां विझंदासीं बसर 3 ॻंढ दरमियाने साइज़ जो, अगरि वॾियूं आहिनि त 2 खणी वठिजो, ठीकु आहे। हीअ तक़रीबन 2.5 खां 3 कप थी वेंदो ऑयल, सॉरी बसर, ठीक है। प्याज हम डाल देंगे और प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन जैसे हम करते हैं। उसमें से 1/2 निकाल देंगे, 1/2 में फिर बाकी चिकन हम डाल के बनाएंगे। मटन और बीफ में भी बनाएंगे तो सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। उसको गलाने के लिए आप प्रेशर कुकर यूज़ करें या फिर पानी डाल के उसको आप अपने हिसाब से वो करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो रहा है प्याज ब्राउन, ये रख दिया। अब हम मसाले बनाएंगे, स्पेशल मसाला। ये नोट कजो कि हिनखे मां छा हिन में शइ विझां पियो। ऐं इहो असां ग्राइंडर में पीसंदासीं एनएक्स जे, ठीक है। एनएक्स के ग्राइंडर यूज़ करते हैं।
इसमें हमने क्या डालने हैं मसाले, ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला है, आपने नोट करना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जब पानी बॉयल होने लगेगा, पानी बॉयल थे लगा तो इनमें विजंदासी पुदीने का पत्ता, पुदीने के पत्ते 6 अदद पुदीने का पत्ता, तेज़पत्तो 1 वडो, दारचीनी 1 डंडी, बादियान जो फूल 1 अदद, वडी इलायची 1 अदद, नंढा पोटा 2 अदद, लौंग 3 खां 4 अदद, ठीक है, साबित कारा मिर्च 6 अदद, अछो जीरो 1 चाय जो चमचो है। इसमें क्या क्या डाला, तेज़पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दारचीनी की 1 डंडी डाल दें स्टिक, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, 1 बड़ी इलायची डालिए, ठीक है, और पुदीने के 6 पत्ते डालें, ये बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1.5 टेबल स्पून, आधा किलो चावल बॉयल करने में 1.5 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून जो हम चावल खाते हैं जिससे, 1.5 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है क्या नमक, 1.5 खाने का चम्मच ऐसा इनमें विधवा लूण, और इसको थोड़ा 5 मिनट पकने देंगे ताकि पानी में फ्लेवर आएगा पुदीने का, गरम मसाले का, और वो पानी में फिर हम राइस डालेंगे, राइस भिगो के रखे हुए। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब क्या मसाला बनाना है, हमने बनाना है बम्बई बिरयानी मसाला। बम्बई बिरयानी मसाले जो छाछा खपे असाके गौर सा डिसीजन में छाछा विझा पियो, 1 अदद तेज़पत्तो, 1 अदद तेज़पत्ता हाथ से तोड़ के आपने डालना, ठीक है, बादियान का 1 फूल डाल देंगे, ठीक है, 1 बड़ी इलायची, 1 दारचीनी की स्टिक, 4 अदद लौंग, 4 अदद छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और जायफल जावेत्री, जावेत्री की पत्तियां 1/2 टीस्पून, जायफल का ये 1 पीस ले लें छोटा सा, बिल्कुल 1 जायफल का 1/4 हिस्सा ले लें, ये छालिया की तरह होता है, ठीक है, ये छालिया वांगर होंद है जायफल जो पीस आ है, जावेत्री जी पत्तियों विधियों इन कारा मिर्च हैं इनमें 10 खां 12 अदद, आई अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, बादियान जो फूल हली हुए 1 चाय जो 1 अदद, ठीक है, वरी रिपीट कराया पे हो, 1 अदद तेज़पत्तो तोड़े विझ जो, जायफल जी नंडो पीस सुपारी वगर होंद उन जो थोड़ो सो नंडो पीस विझी छो, उन सा जावेत्री जी पत्तियों 4-5 विझी छो, लौंग 4 अदद, नंढा फोटा 3 खां 4 अदद, वो फोटो 1 अदद विधो है, अछो जीरो 1 चाय जो चमचो है, साबित कारा मिर्च इनमें 10 खां 12 अदद, ठीक है, और दारचीनी की 1 डंडी है, बादियान जो फूल होंद है स्टार वगर, ही बादियान जो फूल दिखारे तो छा हिं होंद है, देखें ये देख लें बादियान का फूल इस तरह स्टार होता है ये बना हुआ, तो ये आप लेके मार्केट से इस तरह का आप इसमें रखें, खुशबू आती बिरयानी में बहुत अच्छी, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, ये स्पेशल मसाला है, इसमें और भी अभी मसाले मिलेंगे जो पिसे हुए होते हैं, ये 1/2 kg के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थी वो पूरो डिटेल में तक बताया पो, जी दीजिए फरमाइश हुई तो नोट करे वो, ठीक है, जिनकी फरमाइश थी तो नोट कर लिया करें, मैं बताता हूँ तो फिर मैं बनाता भी हूँ उसी वीक में, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ तो इस वीक में बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मसाला, जो स्पेशल मसाला हमने बनाया है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके अंदर जो मसाले मिक्स होंगे वो हम आप गौर से देखें इसमें क्या क्या डलेगा। अब इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीठल दाणा 2 खाने जा चमचा जी, लूण 1 चाय जो चमचो, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। हाँ, क्या हाल है अफशा आपके? जी मैं कहिए सर जी, प्रोग्राम देख रही है जी, ईद मुबारक हो आपको। हाँ, आपको भी मुबारक हो, कल है ना परसों, सॉरी, ईद मिलादुल नबी। जी जी, और नबी भी थी ना हमारी जी, तो जी जी जी। अच्छा फैसल भाई, आपसे पूछना, चावल बनने का तरीका बता दें, बासमती चावल सही नहीं बनते बिरयानी के? वो अभी मैं बॉयल कर रहा हूँ ना, आप देखें बासमती चावल को मैं कितने मिनट उबालना चाहिए बता देगा मुझे? 7 मिनट, 6 से 7 मिनट, 1 कनी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे राइस हमारे ब्राउन हो रहे हैं, जब राइस को क्या है प्याज ब्राउन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे 2 पिंच, बस चुटकी लूण विझी छंदा कयो जॾहिं अधु गुलाबी थी वञे इनखां छा थींदो आहे पाणी जल्दी खुश्क थींदो आहे ऐं कड़क थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, हे ब्राउन थी पियो। अब इसमें हल्दी पाउडर डाली 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच डाल दिया। ठीक है, अब इसमें साबित इलायची डाल देंगे 4 अदद, और ये है आलू बुखारा, ये आलू बुखारे ड्राई वाले जो हम बिरयानी में डालते हैं, ये हमारा हो गया बिरयानी मसाला तैयार। ठीक है, हे असा विझी छो, हाँ वरी रिपीट कराएं पो, इनमें विधो हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीठल दाणा 2 चाय जा चमचा। ठीक है, इन सा गड नंडा फोटा 3 अदद विझ छो, हे आलू बुखारा खुश्क वारा जो बिरयानी में विझा है, यो सजो मसालो अध किलो जो तैयार थी वो। ठीक है, ये मिक्स करके रख दें, ये होता है बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है, और इसको फिर हम इसमें डालेंगे, बाकी क्या क्या इसमें ऐड होगा, किस किस तरीके से प्रोसेस इसका, ये मैं बताता जाऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, मसाला दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, कोई चीज़ मिस हो रही हो तो नोट करते जाएँ। सबसे पहले ग्राइंडर में हमने डाली है 1 अदद तेज़पत्ता डाला, 1 अदद तेज़पत्ता डाल के उसको आपने कश करके हाथ से डालें। पहले कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बस माला बात कर रही हूँ गर्जा से। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई, आपने पिज्जा बनाना सिखाते हैं, जो आपने काजू कुछ करके उसमें डाला था वो उसका नाम बता दीजिएगा प्लीज। दोबारा बताएं क्या चीज? मैंने कहा उस दिन जो आपने पिज्जा बनाना सिखाया था उसमें जो काजू कुछ करके वो पिज्जा, वो पता नहीं क्या था, चेडर चीज, चेडर चीज डाली थी, चेडर चीज जी चीज डाली थी। चलें ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये रिपीट करा रहा था, इसके लिए हमने लेना है तेज़ पत्ता 1 अदद तोड़ के हाथ से ग्राइंडर में डालें, 4 से 5 अदद लौंग डालें, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी, साबित काली मिर्च 10 से 12 अदद। ठीक है, उसके बाद आपने डाल देनी 1 अदद दालचीनी के स्टिक, जायफल जावित्री हाफ पत्तियां जो हैं वो 4 अदद डाल दें, और जायफल का एक पीस छोटा करके क्वार्टर डाल दें। ठीक है, और बादियान का एक फूल डाल दिया, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में, और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इसको ग्राइंडर में चला देना, मसाला पीसने के बाद एक प्याले में निकाल लें। फिर कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलाया प्या? जी मैं डॉक्टर शमैला बात कर रही हूँ दादू से, आपसे लास्ट वीक बात हुई थी मेरी। जी जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ख्याल लगा पड़ा है। आपने मेरी फरमाइश पूरी की, आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। कौन सी मेरी बहन? आप अभी जो बिरयानी बना रही हैं, मेरी फरमाइश है ना, मैंने फरमाइश दी। ओके ओके, चलें ठीक है, आप नोट कीजिएगा, मैं डिटेल में बताता जा रहा हूँ, कोई चीज़ मिस हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, प्याज अब हो गया है गोल्डन ब्राउन। ठीक है, इसका हम कर देंगे चूल्हा बंद। अच्छा, उसके बाद हमने ग्राइंडर से मसाला निकाल देना है एक बॉल में, उसमें डाल देना है पिसी लाल मिर्च, कितनी डालनी है, हमने डालनी है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हम डाल देंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच या 3 चाय के चम्मच भर के डालेंगे, मिला देंगे। फिर छोटी इलायची आपने निकालनी है, मैंने आधा से ज़्यादा निकाल दिया, लेकिन इसका आधा पोर्शन हम छोड़ देते हैं, और आधा मैंने ऊपर बिरयानी पे डालने के लिए निकाला। ठीक है, अध कटी हुई जो बसर, आलू बुखारे 6 अदद डाल दें, छोटी इलायची तोड़ के मुँह खोल के वो इसमें 4 अदद मिला के, ये हो गया हमारा बम्बई बिरयानी मसाला तैयार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑयल में जब चिकन डालेंगे तो हाफ प्याज हमारा रहने दें उसमें, और बड़े पीस होने चाहिए बोटियों के, 3 पाव जितनी, आधा किलो में हम चिकन डाल रहे हैं। ठीक है, 3 पाव चिकन भेजूँ क्या, अध किलो के हिसाब से चावल ला दें मुझे। ठीक है, इसको हमने चावल दे दें मुझे, इसको हमने क्या करना है, फ्राई करना है। ठीक है, 3 चावल जल्दी दे दें राइस मुझे, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। ठीक है, रेसिपी रिपीट कराएं पे मसाले जी पूरी नहीं, चावल भिगोए हुए हैं तकरीबन 20 मिनट पहले, इसका पानी मैंने निकाल दिया, और अब ये चावल मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, चावल भी छड़िया, रेसिपी तक मसाले जी रिपीट कराएं, तो चावल डाल के इसको पूरे 7 मिनट आपने बॉयल करना है। ठीक है,
इसमें बॉयलिंग आएगी, 7 मिनट बाद हम इसे निकाल देंगे। मसाले जिला सा छा के ग्राइंड, ठीक है ब्रेक तो अनु पे आप ब्रेक पे जा रहे हैं। चिकन को मैं फ्राई कर रहा हूँ, राइस हमारे 7 मिनट में बॉयल हो जाएंगे, इसको मैं निकाल दूंगा और उसके बाद चिकन में हमने क्या क्या डालना है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूदा, मज़ेदार रहते बम्बई बिरयानी टाइप है। बम्बई बिरयानी बन रही, इसके राइस में निकाल रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या करना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, ठीक है। चिकन हमारा हो गया तकरीबन गोल्डन फ्राई, ठीक है, और बीफ अगर डालेंगे तो बीफ को भी इसी तरह करके फिर आपने पानी डालना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, बखाणीचा चमचा अदरक, तुम जो पेस्ट डाली हुई अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर इसमें स्लाइस में जाएंगे, ठीक है। जो हमारा मसाला है वो डालेंगे और दही को बीट कर लेते हैं, दही के फेटे तक चलूँ, ठीक है। दही बीट करके डालेंगे इसमें 1 कप दही फेंट लेते हैं, अच्छी तरह क्रीमी टेक्सचर में आना चाहिए दही, ठीक है। दही आपकी क्रीमी टेक्सचर में आनी चाहिए अच्छी सी, क्योंकि लम्स नहीं होने चाहिए दही में, कभी भी धाणा ना हुजन, बिल्कुल उनके फेटे छॾिजो। हाणे छा कंदासीं, जेको मसालो आहे इहो विझंदासीं, जो मसाला बम्बई बिरयानी बनाया था ये इसके अंदर ऐड हो गया। मसाला डाल के इसको थोड़ा सा चलाएंगे 2 मिनट, ठीक है। मसाला डाल के 2 मिनट आपने चलाना है, इसके बाद इसमें हम 1 कप दही ऐड करेंगे। मसाले जी रेसिपी रिपीट कराया पियो, छाछा विधो हो, ग्राइंडर खणिजो, पीसण वारी मशीन जेको हूंदी आहे NXG मां खईं, उनमें 1 अदद विझंदासीं तेज़पत्तो, 1 अदद दालचीनी जी डंडी, 1 अदद बादियान जो फूल खणी वठिजो, ठीकु आहे। हुनखां पोइ हिनमें विझंदो नंढा फोटा 4 अदद, लौंग 4 खां 5 अदद, अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, वॾो फोटो 1 अदद, ठीकु आहे। ऐं हिनखे चङी तरह तव्हां छा कंदो, ग्राइंड ऐं कारा मिर्च, सॉरी साबित कारा मिर्च हिनमें विधा तकरीबन 12 खां 15 अदद, जायफल जावित्री हिनमें विझंदो, जावित्री जी पत्तियूं 4 खां 5 अदद, ऐं जायफल जो हिकु नंढो पीस विझी हिनखे ग्राइंड कंदो, प्याले में कढिजो, कॉल वठो त बाक़ी पोइ ॿुधायां थो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कल जैसी बात कर रही जी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये आपने बहुत जबरदस्त मसाला बनाया है, और ये के जाहिर है कि अगर हम लोगों को कोई चीज ज्यादा भी चाहिए हो तो इसको डबल कर लिया जा सकता है, बिल्कुल भी जा सकता है, बिल्कुल बना के रख सकते हैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छी तरकीब है। तो एयर टाइट में जरा पहले रखना होगा, एयर टाइट की भी चीज हो, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग इसको बाहर ही रखें तो कितने अच्छे चलेगा? बाहर रखेंगे तभी 1 महीने तक आप रख सकते हैं इसको, अगर एयर टाइट बिल्कुल करके रखेंगे तो आप इसको 3-4 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे गर्माइश ना हो, बहुत ज्यादा हीट ना हो ना, कि इसमें फफूंदी ना लगे, नहीं तो फ्रिज में रख दें, फ्रिज में भी खराब नहीं होता, 5-6 महीने तक पड़ा रहे। हाँ, चले बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी, ये प्याज हम लोग करते हैं फ्राई जी, तो ये प्याज फ्राई करके जो इन्हें वैसे निकाल लेते हैं ना कि काफी दिन चलाने के लिए जी, तो जी। बात तो कहते हैं कि इसमें जो है ना कॉर्न फ्लोर मिक्स करना चाहिए थोड़ा तो सा, वो अगर आपने रखना हो ना तो फिर उसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना आप मिला के फिर वो आप रख सकते हैं, लेकिन उसको फ्राई ना करें उसमें मिला के जी, उससे क्या खराब नहीं होता। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पे मैंने दही डाली, पहले मसाले को भूना थोड़ा सा फिर उसके बाद दही डाली, ठीक है। अच्छा ग्राइंडर वालों जो को मसालो वो पीसे छो, पीसण का पकड़े प्याले में विझिजो, पोन में विझिजो 1 चांहि जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो हैड, 1 चांहि जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो लूण, 2 चांहि जा चमचा खां 3 चांहि जा चमचनि जितरो पीठल धाणा, ठीक है। ये सब शयूं विझण खां पोइ मिक्स कजो, पोइ आलू बुखारा मिलंदा आहिनि वो खुश्क वारा जेको असां बिरयानी में यूज़ कंदा आहियूं, वो 6 दाणा विझिजो ऐं नंढा फोटा हथ सां तोड़े 4 नंढा फोटा विझी मिक्स करे इहो मसालो 1/2 किलो जो आई, अगरि किलो बिरयानी ठाहिणी आहे त इहो सॼो मसालो डबल करे वठिजो सॼो, ठीकु आहे।
ठीक है मसालो साइड में रख जो पो हिते असा बसर ब्राउन कयो मुनो कप ऑयल खयो उनमें बसर के गाढ़ो कयो टे गंड बसर गाढ़ियों करे उनमें अध बसर कढ़ी वटो अध ही में रहने जो पो ऑयल भी थोड़ो कढ़ी वटो छाकण तो ऑयल वधिक ना थी बसर जे करे ऑयल विदो उनमें अध का थोड़ो घट ऑयल कढ़ी वटो पो उनमें ता चिकन विजंदो चिकन के ता थोड़ो फ्राई कंदो टे चार मिनट उनका पो ता में छा विजंदो इनमें ता विजंदो सजो मसालो मसालो अदरक थूम जो पेस्ट विजंदो गड बच खाणी जो चमचो वो भुने पो मसालो विजंदो मसाले के भुने दही विधी इनके में थोड़ो फ्राई किया पियो टे अद सावा मिर्च कटिंग करे विछड़न कॉल वट होता अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप कैसी हैं मैं अल्लाह का शुक्र फिर सर अभी आप ये मसाला बनाया है ना जी जी और ये आप वो बना रहे बम्बई बम्बई बिरयानी जी तो ये मुझे ना थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो क्या नाम है इसका इसकी सर्विंग जरूर बताइएगा क्या चीज जैसे सर्विंग ये तो मैं आधा किलो बना रहा हूँ फोर पर्सन के लिए है हाफ के जी और अगर आप इसको वन के जी बनाएंगी तो सब चीजें डबल कर देंगी राइस वन के जी कर देंगे जी जी नहीं वो दरअसल मुझे ना फैसल अभी आप जो भी रेसिपी बनाए ना जैसे हाँ। अभी कल अभी इतवार तक तो आपका शो आएगा ना जी इंशाल्लाह तो वो आप मुझे ना ये जरूर बताइएगा जब भी कोई भी बनाए डिशेज तो आप मुझे सर्विंग भी बताइएगा चले चले ठीक है सही है वो मैं फिर हिसाब लगा लूंगी चले बड़ी मेहरबानी होगी चले ठीक है थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज अच्छा यहाँ पे हमने इसको भूना मसाले को और दही को और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी दौरान कॉल जब कॉल आई थी फरजाना शाकिर की मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी तीन अदद चॉप करके अब आप जब देखेंगे मसाला भून के इसमें एक कप पानी डालेंगे ज़्यादा नहीं एक कप पानी भी जस्ट चिकन गरी बने ठीक है एक कप पानी डालेंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए अब इसको करेंगे कवर तेज़ आंच करें पहले इसमें बॉयलिंग आने दें फिर कवर करें 10 मिनट के लिए चिकन गल जाएगा कोरमा हमारा हो जाएगा तैयार फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आलू जो है हमने क्या किया हुआ यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू हमने लेने तीन अदद या चार अदद इसके दो दो पीस किए हुए और इसमें हाफ हमने क्या किया है इसमें हमने हाफ टीस्पून से भी कम इसमें जर्दे का रंग डाल के पानी में इसको बॉयल कर दिया था ये बॉयल हुए में ताकि कलर हम फिर वैसे नहीं दे सकते आलू में कलर देना होता है इसलिए बॉयल किए कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह दी कह रहे कितना गला पिया जी अदी कुछ चढ़ चाहिए मेहरबानी अदी बम्बई बिरयानी ठाए पे बिहन जो पकौड़ा हाँ मुझे ठाणा फरमाइश आयल है मथे हफ्ते में इंशाल्लाह ठाईदा बिहन जो पकौड़ा फरमाइश अदी इनशाला अगर मुझे मिली वे ना बीह से तो आचर वाले डी ठाऊँ था ठीक है आचर वाले नहीं बल्कि हाँ ये बस सही आचर वाले नहीं ठाई तो वहाँ फरमाइश पहली भी आई तहाँ भी क्यों पे तो इनशाला आचर वाले डिसीजो ठीक है मेहरबानी थैंक यू ख्याल रखो अल्लाह हाफिज बिहन जहाँ पकौड़ा आचर वाले ठाईदी ठीक है अच्छा ये मैंने राइस कर लिए हैं बॉयल और ये देखें हाफ के जी हमारे राइस थे इसको बॉयल कर दिया अच्छा फुल बॉयल नहीं है ये है एक कनी यानी 70% बॉयल हुआ हुआ है सात मिनट आपने इसको बॉयल करके निकाल देना है टाइम पे नज़र रखिएगा चावल अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें तो कभी भी ख़राब नहीं होते बिरयानी के लिए ठीक है ये हो गए इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर कर लिया ठीक है क्या किया था पौना कप हमने ऑयल गरम किया उसमें तीन अदद प्याज डाले उसको गोल्डन फ्राई किया हल्का सा दो पिंच सॉल्ट डालने से प्याज क्रिस्पी हो जाता है हाफ प्याज निकाल लें और थोड़ा सा उसमें एक स्पून ऑयल निकाल लें ठीक है हाफ कप ऑयल रहना चाहिए फिर उसमें आपने चिकन डालना है चिकन डाल के आपने चिकन को भूनना है साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें दो खाने के चम्मच चिकन को दो चार मिनट भूनने के बाद जो मसाला हमने बनाया था बम्बई बिरयानी का वो इसमें ऐड करना है उसको दो मिनट भून के फिर एक कप दही बीट करके वो डालना है दो तीन मिनट भूने ऑयल ऊपर आ जाएगा मसाले का हरी मिर्चें चॉप करके साथ ही डाल दीजिएगा तीन अदद थोड़ा भुने उसके बाद आपने इसमें डाल देना है पानी पानी मैंने इसमें कितना डाला है डेढ़ सवा से डेढ़ कप बस चिकन के लिए और अगर बीफ या मटन है तो उसमें आप दो गिलास डेढ़ गिलास पानी डाल के फिर आप उसको गलाना है फिर पानी जब खुश्क हो जाएगा कोरमा तैयार होगा फिर राइस डालेंगे लेकिन इसमें हमने सवा कप से एक कप पानी डाला है कॉल वट होता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी भाई सुमायला बात कर रही हूँ प्लीज वो नाम बता दीजिएगा लाइट चली जाएगी तो हम लिखेंगे लिखना है मुझे उसका नाम किस चीज का नाम
वो मैंने जो आपको अभी कहा कि पिज्जा जो आपने बनाया था उसका जो जो कद्दूकस के डाला था चीज, पिज्जा का चीज, नाम क्या है वो बताना उसमें प्लीज। चीज डाली थी वो पनीर अच्छा। होता है चीज होती है चेडर चीज आपको मिल जाएगी। आप कौन से सिटी में रहते हैं? हिंगोरो। ठीक है, आपको सक्खर से मिल जाएगी और पन्नो अकिल से भी आपको मिल जाएगी। बड़े सिटी है तो वहाँ पे मिल जाती है। चेडर चीज बेकरी से मिल जाएगी आपको, ठीक है, या किसी स्टोर से। चेडर चीज थी वो ऊपर से कश करके डालते हैं, ठीक है। चेडर चेडर सी एच ए डबल डी आर, ठीक है, चेडर चीज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा गलाना है, ठीक है। चिकन जब गल जाएगा, आलू हमने इसमें ऐड नहीं करने। मज़ेदार बम्बई बिरयानी बन रही है, रेसिपी मैंने रिपीट कराई है, कोई चीज़ मिस हो रही हो तो बताइएगा। कल भी हम मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, जो आपकी फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहा हूँ इस वीक में। फिर कमिंग वीक से हम अपनी भी बेकिंग पे भी आएंगे काफ़ी सारी, और सूप्स हैं काफ़ी सारी वैरायटी। तो ये 15 नवंबर, बल्कि सर्दी तो कल रात से कराची में आ गई है, अच्छी खासी ठंड थी रात को। तो अभी ये कि 15 नवंबर से इंशाल्लाह सूप्स पूरा एक वीक रखूँगा, जिसमें हम सिर्फ सूप्स बनाएंगे। एक वीक रखूँगा सिर्फ फ़िश फ्राई और फ़िश के सालन और फ़िश के कोफ्ते, और ये इस तरह मैं करूँगा ताकि आप लोग ईजी वे में हर चीज़ सीख सकें। हलवे हैं, हलवों की बहुत सारी वैरायटी है, और उसके अलावा साग है, रोटियां हैं, और मीठे कुछ ऐसे बनते हैं डिफरेंट किस्म के, और बहुत से पंजीरी वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें। इंशाल्लाह दिसंबर का महीना और 15 नवंबर से हम ये पूरा कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई फरमाइश करनी हो सर्दियों के हिसाब से तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 15 तारीख का जो 7-8 तारीख थी भैया, 15 तारीख का पोजे को वीक हलंदो असांजो, हुनमें सब असां सूप्स जी वैरायटी, मच्छी जी काफ़ी सारी वैरायटी है, सियारे जे हिसाब से जितना खाधा आहिनि, पराठा आहिनि, हुनमें हलवा आहिनि डिफरेंट, मिठाइयूं आहिनि, तो वो पूरो कंटिन्यू रखंदासीं दिसंबर जो महीनो भी सॼो, ताकि हुनमें तव्हांखे फरमाइश भी करणी हुजे, गॾु गॾु बेकिंग भी कंदा रहंदासीं, त उहो रेसिपीस पंहिंजी नोट कंदा रहिजो, सॼी फरमाइश भी करे सघो था। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾो प्लीज़। हैलो, टीवी जो वॉल्यूम हमेशा बंद करे ॻाल्हाईंदा कयो। मां हिन करे चवंदो आहियां, लाइन ड्रॉप थी वेंदी आहे, तव्हांजी आवाज़ नथी अचे, ऐं मुंहिंजी आवाज़ तव्हांजे घरां वापसि मूंखे अचे पई, त महिरबानी करे टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾंदा कयो। अच्छा, ही देखें, कोरमा चिकन अब बिल्कुल सेट हो गई है। इससे अंदाज़ा हो जाता है जब चिकन हड्डी से थोड़ी अलग होने लगती है तो ये बिल्कुल रेडी होती है, ठीक है। लेग पीस टूटे भी ना, और इसका कवर हटा दिया, और मैंने कवर हटा के इसको पानी थोड़ा ड्राई करना है, ठीक है। जब इसका पानी ड्राई होगा, ये देखें चिकन बिल्कुल इस तरह गल गई है, ठीक है। थोड़ा सा पीस आपको अंदाज़ा हो जाएगा चिकन का किस तरह हो गया है, वो अंदाज़ा हो जाता है कि कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है, चिकन बिल्कुल डन हो गई है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह दी। तां बुधायो छा हालन? ठीक आ ला जी। जी रेसिपी सुठी पई छे, प्रिया कॉफी फ्रेंड जी। बिल्कुल ए जब पिज़्ज़ा में ता केटर की सब जो मां वो विदो पिज़्ज़ा की वो सही है या पिज़्ज़ा जी अदी असल में इलाही इलाक़नि में जीअं अदी जी कॉल आई हुई हिंगोरे खां, हुते ई न थियूं मिलनि। पिज़्ज़ा चीज़ अलॻि ईंदी आहे, उहो मिक्स हूंदी आहे। चैडर चीज़ जेका हूंदी आहे न, उहो चैडर चीज़ सां गॾु असां मोज़रेला चीज़ यूज़ कंदा आहियूं, लेकिन माण्हुनि खे सम्झ नथी अचे त चैडर चीज़ नॉर्मल आहे, बेस्ट आहे, न त पोइ पिज़्ज़ा चीज़ मिलंदी आहे मिक्स, त उहो वठी विझी सघो था, हुनखां बि सुठो ठहंदो आहे। हुनमें मोज़रेला बि एड हूंदी आहे। न न बिल्कुलु ज़बरदस्त चैडर चीज़ सिर्फ़ु हिन करे आहे, ॾिसो अदी, चैडर चीज़ ठीक आहे ऐं मोज़रेला चीज़, उहो ॿई मिक्स करे विझबियूं आहिनि त उहो महांगो पए थो। 6-8-9 सौ जो हिकिड़ो ॿ ई शयूं पवंदियूं आहिनि, हिन खां बेस्ट आहे। हा, चेडर चीज़ जेको फ्लेवर ॾींदी आहे, मोज़रेला चीज़ छा हूंदी आहे, सिर्फ़ु उहो जेका तारूं ठहंदियूं आहिनि न हुनमें, जॾहिं असां पिज़्ज़ा खाईंदो आहियूं, तार ठाहींदो आहे बसि, उहो इहो हूंदो हुनजो कमु, बाक़ी असल फ्लेवर हिन में नथी ठहे तार, बसि पोइ तव्हां चेडर चीज़ ऐं मोज़रेला चीज़ मिक्स करे ठाहींदो। अगरि तव्हांखे तार वारो खपे त तव्हां ॿई शयूं मिक्स करे विझो, हाफ हाफ, ठीक है दी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि मोज़रेला चीज़ जो होती है वो स्टिकी करने के लिए होती है। जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तारें निकल रही होती हैं गरम गरम, उसमें लच्छा सा बन रहा होता है, वो बनता है मोज़रेला चीज़ से, मोज़रेला चीज़ का काम होता है, ठीक है। चेडर चीज़ फ्लेवर के लिए होती है, फैल जाती है, उस पर बैठ जाती है, तो अगर दोनों अफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों डालें, नहीं तो सिर्फ चेडर चीज़ आप यूज़ करें, वरना दोनों को हाफ हाफ करके मिक्स करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो जाएगा, और नहीं तो पिज़्ज़ा चीज़ आजकल मिक्स आ रही है, दोनों चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, तो वो आप ले लें पिज़्ज़ा चीज़ अगर अवेलेबल, नहीं तो जस्ट चेडर चीज़ पर करें। स्लाइस चीज़ कभी भी पिज़्ज़ा में ना डाला करें, स्लाइस चीज़ फैलती नहीं है। स्लाइस चीज़ किस लिए होती है, वो मेल्ट होकर अपनी जगह पर बैठ जाती है,
वो फैलती नहीं है। कभी भी स्लाइस चीज़ जब हम लोग बर्गर यूज़ करते हैं या बारबेक्यू में वो यूज़ सही करते हैं उस चीज़ के लिए होता है। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र है। केरे किथे गला पिया? ठीक आहे ठीक आहे। छा शादी वरी पुछजो छा पियो चओ? हिंग छा आहे सिंधी में? हिंग पार्सले ओरिगानो ये सिंधी में छा हिंग? जी जी हिंग छा करणी आहे? लेकिन ॿारनि खे अगरि थधि लॻंदी आहे त थोरो सो पीस हुनजो कपिड़े में वेड़े बाज़ू ते या पेर में किथे ॿधी छॾियो त ॿार खे थधि नथी लॻे। सीने जी जकड़न हूंदी आहे या खांसी बलगम थींदी आहे। सियारो वधीक हूंदो आहे त ॿारनि खे वठी थोरी सी मामूली बिल्कुलु चांवर जे दाणे जहिड़ी कपिड़े में ॿधी अगरि पेर ते या जीअं तावीज़ वांगुरु ॿधी ॿधी छॾियो त हुनखां थधि नथी लॻे ॿार खे। खाधे में बि मिलाइबो इंडियन रेसिपीज़ जेका हूंदा आहिनि इंडियन खाधनि में खाधे में मिलाइबो, लेकिन असां पाकिस्तानी खाधनि में न विझंदा आहियूं। हिन जी गरम इलाही हूंदी आहे इहा। जी दी पार्सले ही आहे इटैलियन हर्ब आहे। इहो मिली वेंदो आहे मार्केट में अॼुकल्ह हर जॻह। तव्हां कराची में रहो था? कहिड़े एरिया में आहियो कराची में? जी दी ठीकु आहे। पार्सले तव्हांखे मिली वेंदो कंहिं बि डिपार्टमेंटल स्टोर खां। हीउ बिल्कुलु पिज़्ज़ा वग़ैरह में चाइनीज़ खाधनि में इटैलियन खाधनि में यूज़ थींदो आहे। ठीकु आहे उहो तरीक़ो मां ॿुधायां थो ब्रेक खां पोइ। ठीकु आहे दादी ब्रेक खां पोइ ॿुधिजो, मां सॼो डिटेल में ॿुधायां थो। हिकिड़ी शॉर्ट ते ब्रेक ते वञूं पिया, हिकु नंढी शॉर्ट ब्रेक वठूं था काॾे हिनजो। ब्रेक खां पोइ अची हीअ रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। शारजा शारजा बनस्पति की शारजा कुकिंग ऑयल विटामिन ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है। एनएक्स असन सा गर एनएक्स में जूस ब्लेंडर चॉपर मजेदार रेसिपीज तां जे जरिए ठाई सगो ता। मलका फूड असा वटा मलका फूड में वसी रेंज है ता मसाला वठी सगो ता इन जी रेसिपीज ट्राई कर सगो ता। हते कोरमो सा जो तैयार थी होई देखो बिल्कुल कोरमा तैयार हो गया, ड्राई फॉर्म में आ गया है। ठीक है इस तरह होना चाहिए बिल्कुल जैसे कोरमा होता है शादियों में जो देग का कोरमा होता है इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। देखो कितना ज़बरदस्त है जो कलर है जो टेक्सचर इनमें ऑयल भी है मसालों भी तमाम बेहतरीन है। ठीक है हाँ छा कंदासी इनके मथा असा विझंदासी टमाटा। बम्बई बिरयानी में क्या होता है टमाटर भुने नहीं जाते, टमाटर के स्लाइस ऊपर से इस तरह रखे जाते हैं। ठीक है बम्बई बिरयानी में टमाटा जो होंगे हैं ये फ्राई कौन कपाइन ये टमाटा हाँ तुम आराम से ढी सको ये टमाटा जो ये असा मथा स्लाइसिस कर विझासी। ठीक है इस तरह फैला दें, दो टमाटर ले लें तकरीबन 8 स्लाइस बना के इसमें फैला दें, इससे मज़ेदार हो जाती है रेसिपी। उसके बाद आपने डालने हैं पुदीने के चंद पत्ते, पुदीने जो चंद पत्ता, सावा मिर्च 6 अदद विचरो साबित, हरी मिर्च साबित डाल दी, अदरक पारचे बना के लच्छा बना के अदरक इसमें 2 खाने के चम्मच जितना डाल दिया। ठीक है अदरक डालने के बाद हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डालने हैं आलू। आलू बॉयल हुए हैं, ये देखें बॉयल हैं आलू को जर्दे का रंग देखे मैंने बॉयल किया है। 3 आलू थे इसके बड़े पीसेस जैसे बिरयानी में हम करते हैं इस तरह ये आलू के पीसेस करके इसके अंदर रखते हैं। ठीक है काफ़ी हैं 3 आलू बड़े होंगे इसके 4 पीस करके ये डाल दिए। इसके बाद हमने क्या करना है इसके ऊपर डालना है राइस। राइस को थोड़ा सा खोल लेते हैं, गर्म है अभी भी, बॉयल हुआ है 1 कन्नी
जी कॉल वठूं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साईं केरे किथां गलाओ पिया? भाई मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूं सऊदी अरब से। जी भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई ठीक ठाक खैरियत है। आप सुनाए भाई क्या हाल है? दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो बंद कर दीजिएगा प्लीज वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई। भाई मीठे चावल बनाने हैं इसका तरीका बता दीजिए। मीठे चावल कौन से, गुड़ वाले या जर्दे के? जर्दे के भाई। ठीक है मैं बना दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करें, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता मैं बना दूंगा। ठीक है ठीक है भाई मेहरबानी। चलो मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे हमने चावल डाल दिए, चावल भी छड़िया ठीक है इनके मथा फैलाए छो, चावल फैला दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे डालना है जर्दे का रंग, थोड़ा सा ले लें और केवड़ा वाटर या अरके गुलाब। ठीक है एक डेढ़ खाने का चम्मच केवड़ा वाटर या अरके गुलाब ले लें, इसमें जर्दे का रंग डालें, इसको इस तरह ड्रॉप करके चार पाँच जगहों पर आपने इस तरह डाल देना। ठीक है जर्दे जो रंग इनमें विंदो है बम्बई बिरयानी में, केवड़ा वाटर ना है तो अरके गुलाब। हाँ ब्राउन बसर जो करे रखे हो इनके मथा ये विच छो, ब्राउन प्याज जो हाफ हमने बचा के रखा था, तीन थे उसमें से हाफ हमने बचा के रखा था ये पर। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन हो कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नौशाद से बात कर रही हूँ, मुस्कान। जी मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखती हूँ शाम को डेली देखती हूँ। थैंक यू। कोई फरमाइश करनी है आपने? मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत सारी डिशेज मैंने सीखी है आपसे। अच्छा चलें बहुत अच्छी बात है। कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? फरमाइश नहीं करनी, सब कुछ सही है। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब मैं रेसिपी दोबारा पूरी डिटेल में रिपीट कराऊंगा। ठीक है रेसिपी में पूरी डिटेल में वरी रिपीट कराइंदम छाकर हाँ मोर टाइम आए रेसिपी तक पूरी जेका शे मिस थी हुए तो वो तहां डीसी बुधी सकंदो लिखंदा वेंदा कि का शे तांका एकड़ी रजिस्टर ठाई वठो, बुक ठाई वठो एकड़ी पांजी, तो उनमें हर रेसिपी में बार बार इनके रिपीट कराइंदो का शे तांका मिस ना थिए। अच्छा पंज मिंट चुल्हो तेज कंदासी स्टीम ठंडी टे का चार मिनट वरी हल्की कंदासी। अच्छा एकड़ी भी गाल बताया कि ही मोटा है नॉन स्टिक है। ठीक है ही जो पतीलो है इनमें सड़न दो ना है, लगन दो ना है, तरो ना लगन दो, ही नॉन स्टिक है। अगर नॉर्मल जो असा पतीला बिरयानी ला रखा तो हेठा तवो रखो, तवो जो हों मानी ठाने वालों तई हूँ वो हेठा रखो ताकि सड़े ना ती बिरयानी। अंदर कपड़ो रखो मलमल जो उनके अंदर मथा विछा जो मथा ढक रखो तो वो बिरयानी ती स्टीम सुठी खड़ी। ठीक है न तो हि नॉन स्टिक है तो इनमें असंके स्टीम कपड़े की भी जरूरत न थी पे इनमें असंके तई रखने की भी जरूरत न थी पे। ठीक है नॉन स्टिक है मेरे पास पतीला तो इसमें मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि नीचे से तवा लगाएं, जैसे घर में हम नॉर्मल बनाते हैं तो नीचे तवा जरूर रखिएगा, तवे से इस पर हीट जाएगी। लेकिन क्या होगा 5 मिनट तेज़ कीजिएगा फिर हल्की आँच पे 20 मिनट दम पे रखिएगा, उससे क्या होगा तवे से आपकी बिरयानी की तह नहीं लगेगी, नीचे जो तह लग जाती है अक्सर जम जाती है चावल की वो नहीं लगेगी। और उसके अलावा मलमल का वॉश करके कपड़ा बिल्कुल साफ एक होना चाहिए आपके पास, वो रखें इसके ऊपर ढक्कन रखें, उसके ऊपर से ढक्कन के ऊपर करके बांध दें, फिर वो क्या होगा स्टीम उसके अंदर अच्छी बनेगी और चावल आपके खुश्क भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे इसकी वो दम आ जाएगा। ठीक है इस तरह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। अगर नॉन स्टिक हैं इस तरह के ब्रांड्स के तो फिर आप लोग इस तरह बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी होल होता है तो ख्याल क्या करें, होल से भी स्टीम निकलती तो ऊपर से टिशू लगा दिया करें। कॉल बैठ होता अस्सलाम वालेकुम। ओके ड्रॉप थी भाई, रेसिपी रिपीट कराएं पर रेसिपी बीच में भी कोई कॉल आई थी कुछ पूछना चाह रही थी मुझे, हाँ पिज़्ज़ा का वो तो उन्होंने कॉल कर ली थी। ठीक है अच्छा रेसिपी रिपीट कराएं पर असा बम्बई बिरयानी ठाऊँ पे, बम्बई बिरयानी ला थोड़ा मसालो ठाईंदी जिमें ग्राइंडर में पीसण ला या उखरी मोरी में पीसे छो, अगर ग्राइंडर ना है तो उन खी बादियान जो फूल अगर ना है तो उन बगैर भी ठही वी, जायफल जैसे ना तो उनके बगैर भी ठही वी, लेकिन स्पेशल ये उजड़ खपन मसाला, अगर ना तो उनके बगैर भी बिया मसालन में भी ठही वी है। ठीक है परेशान ना थो जायफल जावे थी जी मेरी कॉल वठू था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हो ठीक हो? अल्लाह जो शुक्र है। ता केरे किथा गला पिया? एयरपोर्ट ता गलायो जी। यदि कुछ चैन चाहिदो? एयरपोर्ट ता गलायो जी। आसान डालवा जी जी। यदि कुछ चैन चाहिदो? ता जो प्रोग्राम दादो वणंदो आसान के मेहरबानी। हाँ हलो हाँ लगी वही मिलाई रहें, लगन रही को फरमाइश करनी है थी?
ठीक है हलवा इंशाल्लाह 15 नवंबर का पो ठाइंदा थी तो सोहन हलवो भी ताके ठाइन सिखांदम ठीक है ओके ठीक है थैंक यू पाई खलाक जो अल्लाह हाफिज अच्छा हाने छ कंदा सी एक दालचीनी जी डंडी खण जो अद्ध चाय जो चमचो साबित कारा में 10 का 12 अदद खण जो नंडा फोटा 4 अदद वडो फोटो 1 अदद दालचीनी जी डंडी 1 अदद तेज पत्तो 1 अदद हथ सा भोरे विझी छजो उने जे बाद नंडा फोटा 4 अदद वडो फोटो 1 अदद आई अछो 01 चाय जो चमचो जायफल जी पत्तियों जे के हुंदी जावेत्री जी पत्तियों 4 अदद जायफल जो नंडो पीस विझजो बादियान जो फूल विझजो 1 अदद ये सब शयूं ग्राइंडर में विझी पीसे छजो ग्राइंडर में विझी पीसण का पो इनके एकड़े प्याले में विझजो उनमें विझजो प्याले में इन मसाले में वरी पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो हेड एक चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो लूण एक चाय जो चमचो पीठल धाणा बखटरी चाय जो चमचा मिक्स कजो आलू बुखारा खुशकारा मिलंदा वो 6 धाणा विझ छजो नंडा फोटा हथ सा तोड़े साबित 4 विझ छजो यो थी विंदो बंबई बिरयानी मसालो अध किलो जो अगर किलो ठाए पा जेको मसालो बुधाइन के डबल कर छजो हर शे के ठीक है हे तैयार थियो बसर गाढ़ो कंदो 3 गंड बसर मुनो कप खणजो ऑयल उनमें बसर गाढ़ो करी अध कढ़ी वटजो थोड़ो ऑयल भी बाहर कढ़ी वटजो ऑयल घट थी वने अध उनमें 2 खाणी जा चमचा अदरक थूम जो पेस्ट विझजो दाग दिंदो उनका इनमें 600 ग्राम या 3 पा जेतरी चिकन विझंदो उनके भुनंदो 3-4 मिनट उनका पो जेको मसालो तैयार कयो वो बंबई बिरयानी मसालो विझी उनके जी उनके भुनंदासी भुनण का पो दही 1 कप फेटे चंगी तरह वो विझजो उनके चंगी तरह भुनंदो त जडे दही जो पानी खुश थिंदो 1.5 कप सवा कप पानी विझी दम ते रखी मीडियम फ्लेम ते रखी छजो चिकन गरी वेंदी कोरमो तैयार थिंदो घाटो थी वेंदो चांवर जेके असां बॉयल कया हुआ पानी गरम कजो अध किलो चांवर पिसाया हुआ ठीक है उनके पानी गरम कजो उनमें पुदीने जा पत्ता 6 विझजो साबित गरम मसालो उनमें विझंदो 1 खाणी जो चमचे जेतो मिक्स करे विझ छजो ऐं 1.5 खाणी जो चमचो लूण विझी पानी के बॉयल कजो उनमें चांवर पिसायल 15 खां 20 मिंट पहिरीं विझजो 7 मिंट चांवर बॉयल करे कढी वठजो ऐं पोइ चांवर साइड में रखजो कोरमो तयार थी वञे उन जे मथां 2 टमाटनि जा स्लाइस कटिंग करे रखजो अदरक जा पारचा कटिंग करे विझजो साबित सावा मिर्च 6 अदद विझजो ऐं उन जे बाद तव्हां हिन में विझंदो पुदीने जा पत्ता 10 खां 12 अदद तोड़े विझी छॾिजो हुन खां पोइ तव्हां छा कंदो हिन जे मथां पटाटा जेके आहिनि 3 अदद खणजो उन जा 4-4 पीस कजो वॾे पटाटनि जा हुनखे बॉयल कजो अलॻि सां ज़रदी जो रंग विझी पीला थी वेंदा पटाटा बॉयल उहो मथां विझी छॾिजो हुन खां पोइ तव्हांजे मथां चांवर विझंदो चांवर फैलाए छॾिजो चांवर विझण खां पोइ तव्हांजे मथां ब्राउन बसर विझी छॾिजो जेको बचाए रखियो अधु कढियो उहो विझिजो ज़रदे जो रंग थोरो सो अरके गुलाब में या केवड़ा वॉटर में मिलाइजो अगरि उहो बि न आहे त खीर में थोरे में मिलाए उहो मथां खां विझी छॾिजो कलर ॾियण लाइ हिनखे दम ते रखिजो 20 मिंट तव्हांजी बिरयानी ज़बरदस्त तयारु थींदी मिक्स करे रायते सां गॾु सर्व कजो बम्बई बिरयानी की रेसिपी रिपीट करा रहो इसके लिए हमने जो मसाला बनाया था बम्बई बिरयानी का उसके लिए ग्राइंडर में आपने 1 अदद दालचीनी लेनी है 4 अदद छोटी इलायची ले लें 1 बड़ी इलायची ले लें 1 दालचीनी ले लें सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ले लें साबित काली मिर्च 12-15 अदद ले लें जायफल जायत्री की पत्तियां हैं वो आपने लेनी है 4 अदद और जायफल छोटा सा एक पीस चौथा हिस्सा उसका वो डाल दें बादियान का फूल 1 बड़ा डाल दें ठीक है इसको फिर आपने ग्राइंडर में डाल के पीस लेना और तेज़ पत्ता एक तोड़ के डालिए ग्राइंडर में डाल के आपने पीस लेना पीस के इस मसाले को एक प्याले में डालें उसके बाद पीसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च हल्दी पाउडर और नमक 1-1 चाय का चम्मच सब मिला दें इसके अंदर फिर धनिया पाउडर 2-3 चाय के चम्मच मिला दें उसके बाद आपने आलू बुखारे खुश्क वाले मिलते हैं वो 6 डाल दें और उसके साथ छोटी इलायची हाथ से तोड़ के 4 डाल के मिला दें 1/2 kg का मसाला kg बनाना है तो सब चीज़ें डबल कर दें मसाले में ठीक है कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम टीवी जो हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छोड़ो टीवी आवाज़ बंद कर हेलो जी अदि कुछ चैन चाहिए केरे किथा गलायो पया हां थी मिठी खा में गलाई अदा पकोड़न के तरीके बुदाए पकोड़न जो तरीको पकोड़ा परी ठांदा ता दिस जो ठीक है आचर वाले नी जी बेहन जा पकोड़ा ठाइंदम वो दिस जो ठीक है अदि ठीक ओके जी अल्लाह हाफिज़ अच्छा ये फिर मसाला बन जाएगा उसको साइड में रख दें फिर आपने क्या करना है 1/4 कप ऑयल गरम किया था मैंने शारजा कुकिंग ऑयल उसमें 3 बड़े प्याज ब्राउन किए थे प्याज ब्राउन करते वक्त थोड़ा सा 2 पिंच नमक डाला करें इससे प्याज क्रंची हो जाएंगे ब्राउन करके हाफ निकाल दें फिर हाफ ने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 3 पाव जितना चिकन डालना है उसको 2-3 मिनट भूनना है फिर जो ये मसाला हमने बनाया था बम्बई बिरयानी का ये डालना है 2 मिनट इसको भूने हल्की आंच पर जले ना फिर 1 कप दही को बीट करके डालें फिर मसाले को 3-4 मिनट तक भूनना है फिर उसके बाद जब ऑयल ऊपर आने लगेगा फिर 1/4 कप 1.5 कप अपने पानी डालना है कवर करना है 20-25 मिनट मीडियम फ्लेम पर चिकन गलने तक पका लें पानी फिर उसका ड्राई हो जाएगा कोरमा सा तैयार हो जाएगा उसके अंदर टमाटर के साबित पीस डाल दें कटिंग करके स्लाइसेस 2 टमाटर के डाल दें हरी मिर्चें 6-8 अदद डाल दें साबित पुदीने के चंद पत्ते डाल दें तोड़ के अदरक के पारचे बना के 1 टेबल स्पून जितना फैला दें ठीक है जी
उसके बाद आपने क्या करना है, राइस बॉयल करने थे। राइस बॉयल करने के लिए पानी बॉयल करना है। राइस को आपने सेला, बासमती जो भी आपको अच्छे लगे भिगो के, सेला है तो 10-15 मिनट बॉयल करने हैं और बासमती तो 7 मिनट बॉयल करना है। उससे पहले आपने 1.5 खाने का चम्मच नमक डालना है पानी में और पुदीने के 4-6 पत्ते डाल दें। साबित गर्म मसाला 1 खाने के चम्मच जितना डाल दें, ठीक है। उसको बॉयल करें पानी को, फिर उसमें चावल डाल दें। 7 मिनट बाद चावल निकाल दें, छन्नी में रख दें। फिर आपने उसमें टमाटर बिछाने, अदरक वगैरह सब बिछाने के बाद आपने आलू बॉयल करने थे 3 बड़े आलू। उसको जर्दे का रंग लगा के उसको बॉयल करें पानी में, जर्दे का रंग डाल के, ताकि येलोइश कलर हो जाएगा, आलू गले हुए होंगे। वो आलू आपने ऊपर से डाल देने। उसके बाद आपने क्या करना है, चावल डाल देने। चावल फैला के डालेंगे, जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाला था वो फैला के डाल दें और जर्दे का रंग ले लें। 1 से 1.5 खाने का चम्मच अरके गुलाब या केवड़ा वाटर जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून मिला के वो ड्रॉप्स डाल दें। और पहले तवा रखना चाहें तो तवा नीचे रखें, वरना इस तरह नॉन स्टिक में बना रहे तो आपने दम पे रखना है। इसको 3-4 मिनट तेज़ आंच करके, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, कोरमा जल जाए, मीडियम तेज़ करके फिर उसको दम पे रख दें। 20 से 25 मिनट में आपकी बिरयानी बम्बई तैयार हो जाएगी और इसको फिर हम कर देंगे डिश आउट। और इसके साथ रायता कोई भी आप बना लें। मैं 2 घूंट पानी पी लूँ। रायता कोई भी आप बना लें, रायते बहुत सारी वैरायटी, कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी कल भी बनाएंगे। और ये तकरीबन 4-5% की सर्विंग है। और जब आपने 1 किलो बिरयानी बनानी तो सारे मसाले, राइस 1 किलो होंगे, चिकन 1 किलो की, आलू की 2 पीस और बढ़ा दीजिएगा और टमाटर वगैरह जो जो हैं वो सब डबल कर देने हर मसाला आपने। और दही 1 कप है तो आपने 2 कप कर देना, सारे मसाले डबल करेंगे, ज़बरदस्त आपकी होममेड बम्बई बिरयानी बनेगी। इस तरह की और भी बिरयानी है, फ़िश बिरयानी, इंशाल्लाह फ़िश का वीक करूँगा तो उसमें फ़िश की बिरयानी बनाना आपको सिखाऊँगा, ठीक है। मच्छी जी बिरयानी इंशाल्लाह 1-2 वीक में स्टार्ट कंदासीं, मच्छी जो पूरो हफ़्तो कंदासीं। उनमें मच्छी जी फ्राई जी रेसिपी हूंदी, मच्छी जा बोड़ हूंदा, कोफ्ता हूंदा, मच्छी जी कटाकट, मच्छी जी कढ़ाई, मच्छी जी बिरयानी, ये सब इंशाल्लाह ठाहींदासीं। टाइम ॿुधाइजो केतिरो आहे। ठीक आहे, बसि 2 मिंट खां पोइ हिनखे कढंदासीं, छाकाणि त प्रोग्राम जे टाइम जे हिसाब खां रेसिपी खे कंप्लीट करिणो हूंदो आहे। ऐं मलका जा मसाला तव्हां वठी सघो था, मार्केट में अवेलेबल आहिनि। हिन में टोमेटो, केचप, चिली, गार्लिक, सौका, पिल, सॉल्ट आहे, काफ़ी सारा मसाला आहिनि। तव्हां रेसिपीज़ जा मसाला बि आहिनि, उहो बि वठी सघो था। इनशाला सुभाणे जी रेसिपी ॾिसो, उहो बि मज़ेदार हूंदी। मां मूंखे यादि नाहे मां सुभाणे छा पियो ठाहियां, छाकाणि त मां डायरी में पूरो वीक जो लिखी छॾींदो आहियां, पोइ हुन हिसाब सां उहो रेसिपीज़ असांजी ठहंदियूं रहंदियूं आहिनि। त इनशाला हुन में फरमाइश ई आहे तव्हांजी का, त मां ॾिसंदुमि छा ठहे पियो, त पोइ सुभाणे इनशाला ॾिसो। सुभाणे 12 वॻे रिपीट बि हलंदो आहे, ठीकु आहे। प्रोग्राम जो टाइम हाणे 4:05 आहे। अच्छा, हिते असांजी बिरयानी थी वई आहे तयारु। कवर हटा के इस तरह ऊपर पकड़ लिया करें, इसकी जो स्टीम होती है, जो पानी होता है, ये राइस में गिरा दें, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद हमने क्या करना है, राइस को खोलना है। पहले इसको साइड में रखें, फ़ौरन कभी भी चावल में स्पून नहीं चलाया करें, ठीक है। चावल में फ़ौरन स्पून ना चलाया करें, उससे क्या होता है चावल टूट जाता है। 2 मिनट छोड़ा करें, स्टीम थोड़ी इसकी खुलने दिया करें जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? फैसल भाई, मैं सभा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई, मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन 2-3 साल से देख रही हूँ, लेकिन आज मेरी कॉल लगी है। अच्छा, इतने अरसे बाद कॉल लगी, कंटिन्यू नहीं लग रही थी? नहीं, कंटिन्यू लग जाती थी, फिर वेट कराने के लिए तो फिर मेरी कॉल लगती नहीं। चले, बहुत अच्छी बात है आपकी कॉल लग गई है। अच्छा, सलाम कहिएगा अपनी अम्मी को और कॉल करते रहिएगा। जी मम्मी कह रही है मुझे मछली जो है ना वो बनाना सिखा दे। क्या बनाना सिखा दूं? मछली। अच्छा, मछली का मैं पूरा वीक करने वाला हूँ, 1-2 वीक में, 15 नवंबर के बाद मैं अनाउंस करूंगा। उसमें बहुत सारी वैरायटी होगी मछली की। अच्छा, वो तलने वाली जो होती है, तलने, ठीक है, तलने वाली 4-5 किस्म की फिश बनाऊंगा तो वो आप देख लीजिए। शोरबे वाली हम लोग अच्छी नहीं लगी। अच्छा, शोरबे वाली भी बनाऊंगा, तलने वाली भी बनाऊंगा, बिरयानी भी बनेगी, उसके कोफ्ते भी बनेंगे, वो सब देखिएगा, कटाकट और कढ़ाई भी बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। देखें कितनी जबरदस्त कलरफुल बिरयानी, बम्बई बिरयानी इसी तरह बनती है, चटपटी होती है, इसमें इसी तरह आपने बनानी है, ठीक है। बम्बई बिरयानी बनाना कोई मुश्किल नहीं, हर चीज़ आप बना सकते हैं। इसको आराम से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा हलवे की तरह स्पून ना चलाया करें मिक्स करने के लिए, ताकि इसके जो कलर होता है, उसके चावल होते हैं, वो टूटे ना। इस तरह इसमें आपने देखेंगे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं, ये बम्बई बिरयानी की खासियत होती है, इस तरह टमाटर के कतले, लेकिन ये गले हुए हैं, ठीक है। इसको हम निकालते जा रहे हैं और ज़्यादा मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से निकाल रहा हूँ। तेज़ पत्ता जब इसमें आता है तो उसको निकाल दिया करें सर्विंग से पहले, ठीक है।
तेज़ पत्ता जब इसमें आए तो वो आप निकाल लें। फिर बोटियाँ हमेशा ऊपर से रखा करें। इस तरह सर्व किया करें बिरयानी के कलर भी बिरयानी में चावलों का आए, वाइट कलर। देखें ये देखें, ऊपर से मैं डाल रहा हूँ, इस तरह वाइट कलर आना चाहिए, तो इससे क्या होता है बिरयानी देखने में खूबसूरत लगती। पूरी मिक्स कभी भी ना किया करें। देखें मैंने थोड़े से वाइट कलर के राइस छोड़े हुए, तो ये जब आप निकालेंगे तो बहुत अच्छे इसमें टेक्सचर देते हैं, बहुत अच्छा सा लुक आता है। और हे ॾिसो पटाटनि जो कलर केॾो सुठो अचे पियो, ठीकु आहे। हिन तरीक़े सां कढंदा कयो ताकि बिरयानी तव्हांजी टुटे बि न ऐं मिक्स बि आराम सां थिए ऐं चांवरनि जो कलर बि बरक़रार रहे, ठीकु आहे। हे असांजी बम्बई बिरयानी तयारु थी वई आहे, जो की रेसिपी ज़बरदस्त। हिन करे मां हिकु रेसिपी ठाही आहे, हिन में टाइम लॻे थो ऐं पूरी मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे की डिटेल में तव्हांखे हर शइ सम्झायां, ताकी तव्हांखां का शइ मिस न थिए, ठीकु आहे। बार बार उहो रिपीट करण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे। बसि हीअ काफ़ी है, और इसको निकाल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं प्लेटर को। और उसके बाद पुदीना हल्का सा रखा करें चॉप करके, पुदीना के पत्ते ऊपर से थोड़े से डाल दिया करें, पुदीना के पत्ते फ्रेश ऊपर से तोड़ के थोड़े डालेंगे, तो उससे क्या होता है बिरयानी में कलर आ जाता है, खूबसूरत सा इसमें लुक भी आता है और खुशबू भी आती है बहुत अच्छी सी। राइस इसके साइड से क्लियर कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्लेटर तैयार, 4 पर्सन के लिए बिल्कुल सही है। हाँ बच्चे हैं घर में तो आराम से 6 अफराद, बड़े हैं तो इससे मिक्स करके खा सकते हैं, वरना दावत में 4 अफराद के लिए है। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर आप लोग 1.5 किलो भी बना सकते हैं, बस चीज़ों को डबल करके आप लोग ने बनाना है, ठीक है। असांजी थी वही बम्बई बिरयानी जी रेसिपी, अजोकी रेसिपी तैयार थी वही, कलरफुल ज़बरदस्त होंगी है बम्बई बिरयानी, चटपटी ढी होंगी है। इन सा अगर रायतो ठाओ, कचुंबर ठाओ, फ्रेश सैलड ठाओ, जो तक सुनो लगे, पंजो खोड़ सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एस, मेरा पेज और रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी होगी। इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एस मुझे पेज है, उतने रेसिपी अपलोड थी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, उनके लाइक कजो, सब्सक्राइब कजो, पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो। सुभाणे जी रेसिपी ॾिसजो, मज़ेदार हूंदी, पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो। इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थी, दुआउनि में याद रखिजो। अलाह। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।